नमस्कार, मैं हूं उत्सवी पांडे और आप देख रहे हैं राजनामा। हरियाणा सरकार अग्निवीरों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आई है। सरकारी नौकरियों में उन्हें मिल सकता है 10% तक का आरक्षण। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा की है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार 10% आरक्षण देगी। अग्निवीर पीएम मोदी की लोकहित योजना है। अग्निवीर को ग्रुप बी और ग्रुप सी में अग्निवीरों के प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों को घायल होने पर एक कमेटी जाँच रिपोर्ट पूरी होने पर इलाज के पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं पीड़ित की मौत हो जाने पर परिजनों को मुआवजा भी मिलेगा। इसके साथ ही आर्म्स लाइसेंस की सुविधा सरकार अग्निवीरों को देगी। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा कि पुलिस माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में यह आयु छूट 5 वर्ष होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता भी की थी। इस दौरान हरियाणा के सीएम ने अग्निवीर योजना पर कहा कि हरियाणा अग्निवीरों को सरकारी सीधी भर्ती में छूट मिलेगी। इसके साथ ही अग्निवीर सैनिकों को 5 लाख रुपए तक लोन बिना ब्याज के मिलेगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने अग्निवीर के बारे में दुष्प्रचार किया है। सरकार यातायात दुर्घटना में भी मुआवजा देगी, साथ ही अग्निवीरों की सड़क दुर्घटना में भी घायलों का खर्च भी सरकार उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपए से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई के प्रति वर्ष 60,000 रुपए की सब्सिडी देगी। केंद्र सरकार की इस अग्निवीर स्कीम पर बड़ा हंगामा होने के बाद अब राज्य सरकारें इसे एक अच्छी लाइट में दिखाने की कोशिश कर रही हैं। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए राजनामा।